गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्सअप गाइज, वेलकम करता आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो भाई जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मेरे को एक आईडी चाहिए, मतलब यहाँ पर से स्पिन करने के लिए। तो यहाँ पर से हम लोग को जो वेपन रॉयल यहाँ पर से गन की स्किन यानी कि M4A1 की जो गन की स्किन है वो आ चुकी है। तो फाइनली मैंने यहाँ पर से यूज करने वाले एक आईडी जिसमें टॉपअप बहुत ही कम का हुआ, तो मैं यहाँ से टॉपअप करूँगा और यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा और देखते हैं यहाँ पर से M4A1 की परमानेंट स्किन निकलती है या नहीं निकलती है। तो उससे पहले बता दें, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स या कोई भी इवेंट होता है मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर से आप भी मतलब पा सकते हैं, आपका मैं आईडी ले सकता हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर से लक रॉयल पर न्यू आइटम्स आएगा तो मैं यहाँ पर से निकालने की कोशिश करूँगा। तो मैं अपने आईडी में नहीं निकालूंगा, वो मैं रैंडमली किसी के भी आईडी में निकाल लूँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर रखिएगा इसलिए तभी आपका आईडी ले पाऊँगा, टाइम पर आप वीडियो देख पाएंगे और आपको यहाँ पर से मौका मिल सकता है। तो सिंपल है, हम चलते हैं यहाँ पर सेक्शन पे और जाकर करते हैं यहाँ पर से डायमंड का परचेज। यहाँ पर से मैं सबसे पहले 400 डायमंड का यहाँ पर टॉप अप करता हूँ, क्योंकि यहाँ से इसको मेरे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्काउंट नहीं मतलब एक्स्ट्रा डायमंड भी मिल जाएगा। तो करते हैं टैप टू बाय यहाँ पर से क्लिक, उसको देखते हैं यहाँ पर से जो इसका परचेज है सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। तो पेमेंट जो सक्सेसफुल हो चुका है, तो यहाँ पर से इसका जो न्यू अकाउंट था ना, मतलब यहाँ पर से टॉपअप नहीं किया, इसलिए यहाँ पर से उसको बहुत चीज़ मिल जाएगा साथ ही साथ। तो यहाँ से क्लिक करते हैं उसको, तो यहाँ पर इसको डिस्काउंट मिला था, यहाँ पर से एक बंडल इसको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो ये वाला फ्री वाला बंडल यहाँ पर से ले लेते, क्योंकि यहाँ पर से टॉपअप पे दिया था। कि कितने के डायमंड के भी आप टॉपअप करते हैं, यहाँ से तीनों बंडल में से आपको यहाँ पर से एक बंडल मिल जाएगा। तो यहाँ फाइनली यहाँ पर से आ चुके हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ से इसमें भी मिस्ट्री शॉप में देखते हैं इसको डिस्काउंट जो है कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है, क्योंकि वहाँ से भी टोकन ले लेंगे तो मतलब अच्छा हो जाएगा, यहाँ पर कम ही डायमंड लगेगा। ओ भाई साहब, 90% डिस्काउंट मिला है यहाँ पर से इसको। तो चलते हैं हम लोग नीचे सेक्शन में और जाके देखते हैं यहाँ पर से जो वेपन रॉयल के वाउचर है कितना है यहाँ पर से। तो 10 ही मिलेगा, इससे ज़्यादा देता नहीं है, ज़्यादा अगर देता तो मज़ा आ जाता है यहाँ पर से। तो वेपन रॉयल वाउचर में यहाँ पर से 10 का लिमिट दिया है, तो परचेज़ क्लिक करता हूँ, मैक्सिमम में जाके यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं यहाँ पर से टॉप डायमंड्स, थोड़ा सा एक्सचेंज करके देखते हैं इसमें इसको क्या क्या चीज़ मिल जाती है। सही है भाई, फिर से यहाँ से मैं 10 ले लेता हूँ इसका मैक्सिमम 10। तो टोटल परचेज हो गया है यहाँ से कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से बैक, क्योंकि यहाँ से मेरे को मिल चुका 20 टोकन और डायमंड जो भी बचा हुआ वो यहाँ पर से बचा हुआ 703 डायमंड, उसको एक्युमुलेट में देखते हैं क्या क्या मिल जाती है यहाँ पर से। चलो 10 डायमंड यहाँ से मिल गया, 50 डायमंड यहाँ से मिल गया। तो यहाँ पर से डायमंड रॉयल वाउचर जो हम लोग यहाँ से शो तो नहीं करेगा, उसको चलते हैं यहाँ से बैक। तो यहाँ पर से डायमंड जो टोटल हो गया यहाँ पर 763 डायमंड हो गया, उसको चलते हैं यहाँ से हम लोग यहाँ से लक रॉयल पर ट्राई करते हैं यहाँ से जो लक है, और देखते हैं यहाँ से M4A1 की जो स्किन है निकलती है निकलती है। तो था साउंड, यहाँ पर वॉल्यूम कम कर लेते हैं। तो भाई साहब देखने में यहाँ पर बिल्कुल सही है, 20 टोकन यहाँ पर से है। तो सबसे पहले गोल्ड में यहाँ पर से स्पिन करते हैं 2-3, उससे पहले थोड़ा सा ट्रिक फॉलो कर लेते हैं, कहीं वो ट्रिक काम कर जाए इस पर। चलते हैं कैरेक्टर वाले सेक्शन पर। चलो भाई नोबू आ जाओ, किधर है भाई एडम का करेक्टर, बिल्कुल यहाँ से ब्लैक नहीं बिल्कुल वाइट। उसको सिंपल यहाँ से बैक करते हैं, बैक करने के बाद इसके कलेक्शन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं टोटल, क्योंकि यह सुनते हैं ट्रिक वर्क करता है, बहुत सारा लोग बोल रहा था। टोटल को भी स्टार्टिंग वाला करने होगा। चलो आ जा भाई, बिल्कुल यहाँ पर से इसका जो परचेज कलेक्शन है बहुत ही कम है M4A1 परमानेंट स्किन तो किसी का भी नहीं है यहाँ पर, तो परमानेंट निकलने के चांसेस बनता है फुल्ली। अरे भाई कितना है यार, टोटल करते हैं यहाँ पर से अनइक्विप्ड यानी कि जितना भी रेयर यानी कि जो भी यहाँ पर से क्या बोलते हैं इसको स्किन जितना भी यहाँ से मैंने हटा दिया यहाँ पर से, व्हीकल को हटा देते हैं, इमोट्स रहने दो, इमोट्स को फर्क नहीं पड़ता उतना। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लक रॉयल पे और ट्राई करते हैं यहाँ से फर्स्ट स्पिन गोल्ड से, गोल्ड पे स्पिन करते देखते हैं यहाँ पर से कुछ मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि इनको मिला जो है क्या मिला है इसका जो हमारे ख्याल लेते हैं ये बंडल इसको मिल चुका है परमानेंट, ये उसका ऑन हो चुका है। उसके यहाँ पर से चलते हैं वेपन रॉयल में, करते हैं यहाँ से एक डायमंड का स्पिन, यहाँ से बाउंटी टोकन, फिर से एक डायमंड का स्पिन, मिसा का जो फ्रेगमेंट है ये एक स्पिन, बॉन्टी टोकन, बॉन फायर,
तो इसका लक जो है 24 लक है। तो यहाँ पर से करते हैं 10 वाला स्पिन। ओ भाई साहब क्या निकला, ओहो कताई जार भाई जार। चलो ओके करते हैं। अरे परमानेंट का तो पता ही नहीं भाई, यहाँ पर इतना खा गया बट परमानेंट निकला नहीं। तो यहाँ से इसको एक मतलब जो स्किन होता है वो मिलता है, वो तो 24 आवर का दो मिला है। उसके बाद करते फिर से यहाँ से एक स्पिन और देखते हैं यहाँ पर से क्या निकलता है इस कलेक् पे। भाई साहब निकल जा रहे हैं यार, क्या हो रहा है यार, फालतू का आइटम्स बहुत ज़्यादा निकलता है इस पर। तो कहते हैं आपको क्या लगता है यहाँ से मतलब परमानेंट स्किन निकलेगी या निकले, कमेंट पर श्योरली बताना भाई यहाँ से परमानेंट निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो फिर से करते हैं यहाँ से स्पिन, एक डायमंड एक टॉपर है इसका, और देखते हैं यहाँ से निकलता है नहीं निकलता है। अरे निकल जा भाई, कुछ तो निकल जाए यहाँ पर से। ओ भाई साहब क्या निकला है 24 आवर का। फिर से यहाँ से फिर से चलते हैं यहाँ पर गोल्ड पर, ट्राई करते हैं एक बार यहाँ पर से स्पिन करके। कुछ ओनली फालतू सारे आइटम्स निकलता है हर जगह से। तो चलते हैं फिर से करते हैं यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर से स्पिन। ओ भाई साहब 24 आवर फिर से यार, दे दे एक बार यार, एक बार परमानेंट निकल जाए तो फिर काम ही हो जाएगा, वरना मेरा इतना सारा डायमंड फालतू वेस्ट चला जाएगा। तो भाई साहब करता हूँ यहाँ पर से फिर से स्पिन, देखता हूँ भाई कहीं निकल जाए। हाँ हाँ वाह फ्रैगमेंट, चलो फिर से एक बार हो जाए। अच्छा फ्रैगमेंट देने में कितना आगे रहता है गरीना यार, मतलब डायमंड खाने में कितना आगे रहता है। तो यहाँ पर से देखते हैं कितना स्पिन में निकलता है या निकलता है, कमेंट में बताने भी निकलेगा या नहीं निकलेगा। यहाँ से फिर चलते हैं वेपन रॉयल में, करते हैं फिर से ट्राई। ओ भाई साहब फिर से फ्रैगमेंट, तो चल भाई एक बार फिर से हो जाए। 24 आवर का यहाँ पर से मिला, फिर से एक बार कर लेते हैं। फिर से मिला यहाँ पर से 50% का डिस्काउंट, एक और यहाँ पर से दो टोकन मेरे को और मिला। फिर से करते हैं यहाँ पर से स्पिन और देखते हैं यहाँ से क्या निकला। 24 आवर का क्या लगा रखा है भाई ये गरीना, 24 आवर में तो मतलब झाटू कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर से भाई। 24 आवर क्या होने वाला है, बैक करते हैं यहाँ से। फिर से करते हैं यहाँ से हम लोग वेपन रॉयल में स्पिन एक बार। अरे दे दे भाई 24 आवर का, तो यहाँ से नहीं आया। फिर से मैं करता हूँ 400 डायमंड का एक बार फिर से स्पिन, और यहाँ पर से क्या क्या निकलता है इनका। ओ भाई साहब अरे निकल जा, अरे निकल जा, निकल जा भाई, निकल जा निकल जा, अरे निकल जा यार, क्या हो रहा है ये। अरे भाई साहब नहीं निकला मेरे को लगता है। तो यहाँ पर से डायमंड फाइनली इसका ख़त्म होने वाला है, यहाँ पर से देखते हैं क्या हो रहा है भाई। 56 लक है बट यहाँ पर से निकलने कोई चांस ही नहीं है। तो चलो भाई निकल जा निकल जा। अरे यार क्या कबाड़ी हो रहा है भाई यहाँ पर। तो गाइस लगता है यहाँ से निकलने वाला नहीं है, मुश्किल है भाई चांस देना मुश्किल है। गरीना मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ है यार, इतना ज़्यादा डायमंड ख़त्म करने के बाद भी निकलने का चांसेस नहीं है, जबकि यहाँ पर से इसके आईडी पे टॉप अप हुआ भी नहीं था फिर भी यहाँ से इतना कम। एक बार वो कर लेते टॉप अप, उसके बाद जो 123 डायमंड छोड़ देते इसके आईडी पे। तो फाइनली आप देख चुके हो कि गरीना ने कितना लूट रहा है यहाँ पर से मतलब पब्लिक को। यहाँ पर से मैंने इतना डायमंड वेस्ट कर दिया, 24 टोकन वेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पर इतना सारा चीज़ इतना इतना फलना डायमंड वेस्ट किया, बट यहाँ से जो है ये चीज़ नहीं निकला। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 स्पिन यूज करें, 3 स्पिन से ज़्यादा आप यूज ना करें। मैंने जैसे पहले कट देखा, अगर आपको निकलने का रहेगा तो फर्स्ट 3 स्पिन में आपका निकल जाएगा, नहीं निकलने का रहेगा तो आपका नहीं निकलेगा। इसीलिए आपको ट्राई करना सिंपल 3 स्पिन, 3 स्पिन से ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। और आपको ट्राई ही करना है तो आपको लास्ट डे जिस दिन यहाँ पर से वेपन रोल का लास्ट डे रहेगा ना, बिल्कुल ही लास्ट डे जहाँ पर हम लोग का जिस दिन वेपन रोल ख़त्म होने का रहता है, उस दिन जब आपका आधा घंटे 40 मिनट 30 मिनट 20 मिनट जैसे बचेगा ना, उस वक्त अगर आप ट्राई करते हैं सबको परमानेंट गन की इसके निकलने के चांसेस बनती है। क्योंकि आप देखिए बिल्कुल ही न्यू आईडी है, बिल्कुल ही न्यू आईडी है, और यहाँ पर से इसने टॉप अप भी नहीं किया, तो इसके पास परमानेंट गन की एक भी नहीं है, एक भी परमानेंट गन की इसकी नहीं है। बट फिर मैंने इतना सारा इसमें स्पिन कर दिया, लगभग 40 स्पिन के आसपास कर दिया मैंने, 30 30 यानी क्या मतलब 45 स्पिन के आसपास मैंने कर दिया यहाँ पर से, बट यहाँ से परमानेंट गन की स्किन नहीं निकाली। तो आप लोग अपना डायमंड जो फालतू में वेस्ट मत किया, अगर आपको यूज़ करना है सिंपल 3 स्पिन यूज कीजिए, सिंपल 3 स्पिन, इससे ज़्यादा आप जो यहाँ पर से स्पिन मत कीजिए। क्योंकि अगर आप निकलने का रहेगा 3 स्पिन में आपको परमानेंट निकल जाएगा, निकलने का नहीं रहेगा तो आपको 30 स्पिन में भी परमानेंट नहीं निकले। जैसे मेरा सिद्धांत है, मेरे को रूल जैसा है और मेरा ट्रिक जो है मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ कि सिंपल आपको 3 स्पिन करना है, 3 से ज़्यादा आपको यहाँ पर से स्पिन नहीं करना है। तो यहाँ से आप देख चुके जो रिजल्ट है आपके सामने, कितना 10,000 डायमंड मैंने यहाँ पर से उड़ा दिया, बट मैं यहाँ से जो परमानेंट गन की स्किन है नहीं निकाला, नहीं निकला। तो ये तो मतलब सिंपल से अकाउंट है भाई, जिसमें टॉप अप कभी हुआ ही नहीं था। सोच लो अगर मैं अपने अकाउंट में निकालता उड़ाता तो कितना डायमंड मेरे को उड़ाना पड़ता, तब यहाँ पर से नहीं निकलता। तो मैं जब भी यहाँ पर स्पिन करता हूँ डायमंड रॉयल में या फिर किसी भी लक रॉयल पे, जब वो आता है तो आने के साथ मैं कभी स्पिन नहीं करता। लेकिन मैंने सोचा आज ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि गन की जो स्किन है सही है, उसको जो उसका डैमेज है वो भी सही है, एक्यूरेसी जो है थोड़ा सा मैनेज किया गया, रेट ऑफ फायर भी इसका सही है। तो मैंने सोचा ट्राई कर लेता हूँ।
तो आज के वीडियो में इतना सही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।